अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज नाश्ते में मैंने हस्बैंड और बेटी के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, जो कि कभी कभार इनको बहुत ही पसंद होते हैं और डिमांड करते हैं कि आज हमारे लिए बना देना। तो यहाँ मैंने हस्बैंड और बेटी के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, और ख़ुद के लिए तो मैंने अपना रेगुलर ऑमलेट ही बनाया था, क्योंकि मुझे नाश्ते में स्पेशली जब आप इतने घंटे के बाद सोकर उठते हो तो मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं होती। जस्ट मुझे ये होता है कि कुछ मैं नमकीन खाऊँ, तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ा सा स्पाइसी लाइक ऑमलेट वगैरह टाइप बना कर खाऊँ, या मैं बॉयल एग्स खाती हूँ, उन पर हल्का सा नमक और काली मिर्च वगैरह डाल लेती हूँ। तो इस तरह मुझे ऐसे ही फील होता है कुछ मैंने नमकीन खा लिया है। तो यहाँ मैंने अपने लिए बहुत सारी वेजिटेबल वाला ऑमलेट बना लिया था, और इस ऑमलेट के खाने से मुझे काफ़ी घंटे तक भूख फील भी नहीं होती, और मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नाश्ते में रोटी वगैरह नहीं ले रही। और काफ़ी, जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो और आपको पता है कि मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं रोटी वगैरह से अपने दिन की शुरुआत करूं, लेकिन मेरी मोस्टली यही कोशिश होती है कि मैं हाई प्रोटीन डाइट और साथ में फ़ाइबर्स वगैरह लूँ। तो इसलिए मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लेती हूँ, जो कि मुझे रात के डिनर तक फुलफ़िल रखती हैं। तो यहाँ जी बलाई पड़ी हुई थी जो मैंने घर में जमा की हुई थी, तो ज़ाहिर है कि फ्रीज़र में इतनी जगह भी नहीं होती, तो मैंने कहा कि चले इसको भी मैं बना कर रख लेती हूँ। अभी ऑलरेडी मैंने पिछले दिनों बाज़ार से जो मंगवाया था वो मैंने उसका बना कर घी रख लिया था, और इसका भी मैं एक बॉक्स बनाकर सेपरेट से सेव कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा देसी घी का यूज़ होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे घर की मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो जो ऑयल बाज़ार वाला होता है वो मैं कम ही डालती हूँ, लेकिन बाद में देसी घी का जब मैं गरम वगैरह सालन करती हूँ तो एक चम्मच देसी घी का डाल लेती हूँ। एक तो वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है, दूसरा उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा खाने का हो जाता है। और आज मैंने लॉन्ड्री भी स्टार्ट की हुई थी, और ज़ाहिर है जिस दिन आप लॉन्ड्री करते हो तो काफ़ी बिजी आपका दिन होता है। तो फिर मैंने कुकिंग वगैरह कोई ख़ास नहीं की थी, बल्कि मुझे मेरे हस्बैंड ने यही बोला था कि आज मैं बारबेक्यू वगैरह बाहर से ले आऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे मैंने सिर्फ 10-15 मिनट ही लगा कर चने की घर में दाल पड़ी हुई थी उसको मैंने प्रेशर लगा कर साथ में सैलड वगैरह बना लिया था। लेकिन ज़ाहिर है कि मेरे हस्बैंड को तो दाल वगैरह इतनी पसंद नहीं होती, उनको ज़्यादा मीट वगैरह या चिकन वगैरह पसंद है, तो फिर उन्होंने साथ में ये चपली कबाब वगैरह साथ में ले आए थे, और फिर हम लोगों ने रात का डिनर वगैरह किया। और यहाँ मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहूँगी, क्या आपके घर के मर्द भी ऐसा ही करते हैं जब दाल वगैरह बनती है तो खाना इतने शौक से नहीं खाते, और वो मोस्टली यानी कि मीठी आदमी लोग पसंद करते हैं, तो ये क्या हकीकत है? हमारे घर में तो ऐसा ही है, ये नहीं कि वो दाल नहीं खाते, खा लेते हैं बट इतने शौक से नहीं खाते, बस मजबूरी होती है तो खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए, क्योंकि नया ऑलरेडी आ चुका था। तो फिर मैंने इसको दही की जाग लगा दी थी, मैंने कहा चलें सुबह मेरा बहुत जी चाह रहा था कि कुछ दही के साथ मैं मूली के पराठे बनाकर खाऊं। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, और यहाँ मैंने सबके लिए मूलियों के पराठे बनाए थे नाश्ते में। तो ये वही वाली मूलियाँ हैं जो कि तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने इनको पील ऑफ करके एक जिप लॉक में डालकर रख दिया था, और इसके बाद फिर मैं भूल ही गई थी। और जब मैंने सुबह खोलकर वेजिटेबल्स वाला बॉक्स देखा तो उसके अंदर मैंने ये मूलियाँ देखी, तो मैंने सोचा ये तो अब ख़राब हो गई होंगी, ज़ाहिर है 6-7 दिन हो गए थे। तो लेकिन जब मैंने उनको खोलकर देखा तो बिल्कुल फ्रेश थी भी। और फिर मैंने मूलियों को ग्रेट करके उनमें स्पाइसेस वगैरह डालकर मैंने इनके पराठे वगैरह बनाए, तो जो कि बहुत ही मज़े के थे। हालांकि इनमें
सब्ज़ धनिया मेरा ख़त्म हो चुका था लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे और मज़े के बने थे। और यहाँ मैंने लॉन्ड्री वगैरह की हुई थी, ज़ाहिर है कल तो यहाँ सारे कपड़े ड्राई वगैरह हो चुके थे और यहाँ भी मैंने उनको फ़ोल्ड करके जो तय लगा कि मेरे हस्बैंड के थे, कुछ गर्मियों के कपड़े पड़े हुए थे वो मैंने गर्मियों वाले बैग में डाल दिए। और ज़ाहिर है कि अब सर्दियों के सारे कपड़े कंप्लीट यूज़ हो रहे हैं तो मैंने गर्मियों के जो भी हैं वॉश करके सब उठा दिए थे। तो यहाँ मैंने पानी वगैरह पीने के लिए किचन में आई तो यहाँ अचानक से मेरे जहन में आया कि क्यों ना आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग ही करूँ। तो फिर यहाँ अचानक से ही फारिग बैठी थी नमाज़ पढ़ के जोहर की, तो मैंने कहा कि चलें किचन को ही क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ इनकी जो विंडो थी, ज़ाहिर है कि आजकल हमारे घर के सामने भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट उठती है, तो यहाँ विंडो पर काफ़ी पड़ी हुई थी। पहले मैंने इनको सादा कपड़ा लेकर इनको अच्छे से झाड़ा जो डस्ट वगैरह थी, फिर विंडेक्स लेकर इनके ग्लासेस पर मैंने स्प्रे किया और एक ड्राई फाइबर का कपड़ा लेकर अच्छे से ग्लास की रगड़ाई की तो उसे ग्लास पे काफ़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है। तो ये काफ़ी इजी वे है, अदरवाइज़ मैं पहले लिक्विड जो यानी उसमें सर्फ ऐड करके पहले विंडो पर उसके यानी ग्लासेस साफ़ करती थी तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो ये काफ़ी इजी वे है। फिर मैंने इसके काउंटर टॉप पर मैंने बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से इसके काउंटर टॉप को साफ़ किया और इसके बाद फिर मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था ताकि जो इसकी मैल वगैरह है वो अच्छे से उगल जाए। और जब इसकी मैल अच्छे से उगल गई थी तो फिर मैंने एक स्पंज लेकर उसकी ज़रा रगड़ाई की और बाद में पानी डालकर मैंने वाइपर कर दिया था और इसी तरह दो तीन दफ़ा और मैंने पानी गिराकर अच्छे से इसके काउंटर टॉप को नीट एंड क्लीन कर दिया था। और फिर यहाँ मेरा किचन तकरीबन इसके काउंटर टॉप भी साफ़ हो चुके थे और उसके ग्लासेज अब इसका बॉटम वाला हिस्सा रह गया था तो उस पर मैंने जस्ट गीला रुमाल लेकर अच्छे से मैंने इसके जितने भी कैबिनेट्स थे उन पर फेरा। बाकी तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते इसलिए मैं साथ साथ में ही कर लेती हूँ और मुझे कोई इतनी ख़ास टेंशन नहीं होती। जब भी मुझे टाइम मेरे पास होता है मैं ये नहीं देखती कि मैंने इसको वीकली या मंथली बेस पर साफ़ करना है। जब भी मेरा मूड हो या मुझे फील हो कि ये थोड़ा गंदा हो गया है तो मैं रैंडम ही लेकर चीज़ों को बैठ जाती हूँ। तो यहाँ मेरा तकरीबन सारा किचन साफ़ हो चुका था और फिर मैंने अच्छे से इसके सिंक को भी साफ़ किया और अच्छे से मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया क्योंकि वाइपर करने से काफ़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है और जो पानी के स्टेन्स वगैरह लगते हैं वो भी कम थोड़े हो जाते हैं। बट हमारे पाकिस्तान का पानी भी थोड़ा खारा है तो ज़ाहिर है कि दाग तो पानी के रहते ही हैं, लेकिन अगर आप वाइपर लगाएंगे तो थोड़े कम हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को जितनी भी काउंटर पर पड़ी थी सबको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इनको इनकी जगह पर वापस रख दिया था। और यहाँ काम करते हुए मैं यही सोच रही थी कि हम औरतों की ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाले सफ़र की तरह है जहाँ हम हर रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे कि घर के काम करना, किचन की सफाई करनी, खाना बनाना, कपड़े धोने, जहाँ ये काम करते हुए हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं लेकिन जब ये काम हो जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़हनी सुकून और ख़ुशी महसूस होती है। लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ शायद यही काम हम औरतों का असल हुसन है या शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। क्या आप मेरी इस बात पर इत्तफाक़ करते हैं? और यहाँ मैं किचन को नीट एंड क्लीन कर चुकी थी तो यहाँ मैंने बोनलेस निकाला। मैंने सोचा कि चलें इसको मैं स्टेक स्टाइल में ही बना लूँगी लेकिन बाद में फिर प्लान चेंज हो गया क्योंकि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज मैक्रोनी बनानी है कीमे के साथ क्योंकि उनको ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद है। तो फिर मैंने उनके लिए मैक्रोनी भी बना ली और यहाँ हमें साग भी कहीं से पका हुआ आया था तो फिर यहाँ मैंने कहा चलें इसको भी तड़का लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह मेरी बेटी ने भी जाना है तो मैं साथ में इसको दे दूँगी और कल मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे और हम लोग भी, क्योंकि मुझे यही होता है कि एक
काम स्टार्ट यानी कुकिंग का किया है तो सुबह भी करना है तो बेहतर है कि अभी मैं इसको तैयार साथ में ही कर लूँ। तो यहाँ मैंने ज़ीरा और लहसुन वगैरह का तड़का लगाकर हरी मिर्चें और हरा धनिया खूब सारा डालकर मैंने रख दिया था, और फिर आधा मैंने अपनी बेटी के लिए पैक कर दिया था और कुछ मैंने अपनी जेठानी के घर भी भिजवाया था। ज़ाहिर है ये सीज़न की एक सब्ज़ी होती है जो सबको बहुत ही पसंद होती है। तो यहाँ हम लोगों ने नूडल्स और मैक्रोनी वगैरह बना ली थी जो कि मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत ही कीमे के साथ पसंद है। और फिर यहाँ हम लोगों ने रात का डिनर वगैरह किया और ये सच में इतनी मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये मेरी सिग्नेचर डिश है तो यहाँ मज़े की चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी। जब भी मुझे कुछ स्पाइसी ज़ाहिर खाना होता है तो फिर बाद में मैं सोडा आजकल बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ, बल्कि उसके साथ मैं इनो वगैरह पी लेती हूँ। एक तो वो हज़म भी हो जाता है और थोड़ा सोडे का भी टेस्ट आ जाता है, बट ज़ाहिर है कि सोडे में तो बहुत ज़्यादा शुगर होती है तो इसलिए इनो में इतनी शुगर नहीं होती। तो यहाँ मैं अपना सोडा बना कर पी रही थी और इसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी के लिए खाना वगैरह पैक किया क्योंकि उसको अर्ली मॉर्निंग ही फजर के बाद हॉस्टल के लिए निकल जाना था। तो यहाँ फिर मैंने उसका भी खाना वगैरह पैक किया। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।